नमस्कार। आज आपके सामने राजस्थान के जनजाति आंदोलन पाक फर्स्ट में मेर विद्रोह। मेर जनजाति अजमेर के आसपास निवास करती है। कुछ क्षेत्र मारवाड़ में आता था और कुछ क्षेत्र मेवाड़ में आता था। ये क्षेत्र मेर जनजाति के कारण मेरवाड़ा कहलाता था। रावत भी कहते हैं इनको। इस जनजाति का विद्रोह ये एक संयोगी है कि राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन प्रारंभ हुए वे जनजाति आंदोलन 1818 ईस्वी से प्रारंभ हुए। मेर विद्रोह के साथ साथ भीलों का भी विद्रोह या भील आंदोलन भी 1818 से प्रारंभ हुए, किंतु ये मेर विद्रोह 1818 से 1821 ईस्वी तक ही चला। अर्थात ये अल्पकालिक विद्रोह था। अंग्रेज इन मेरों के आंदोलन पर नियंत्रण पाने में सफल हुए, जबकि इसके एकदम विपरीत भील आंदोलन बहुत ही लंबे समय तक चलते रहे। तो हम पढ़ेंगे इसके कारणों की ओर। कारण जनजाति आंदोलन का कारण दोनों के एक ही रहे, भीलों के आंदोलन का कारण और मेर आंदोलन का कारण। अंग्रेजों का राजस्थान में नियंत्रण हो गया था, राजाओं से समझौता हो गया और अंग्रेजों ने रियासतों की सेनाओं को भंग करके अपनी सेना वहां रख दी थी। तो जनजातियां सेनाओं के अंदर, राज की सेनाओं के अंदर सैनिक के रूप में सेवा देती थी, एक तरह से बेरोजगार हो गए। और अंग्रेजों ने पूरे जनता को नियंत्रण में लेने के लिए अनेक सुधार भी लागू कर दिए। तो जनजातियां पारंपरिक तरीके से जीती थी, वे सुधार को, परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। इसका प्रमुख कारण रहा, मेरों के आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा मेरों पर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण का प्रयास। तो मेरों ने अंग्रेजों के इस नियंत्रण के विरोध में विद्रोह छेड़ दिया और मेरों का यह विद्रोह भयानक चला। मेर क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र देखिए, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर इन तीनों के अंतर्गत भूभाग है। तो मेरों के विद्रोह से घबरा कर अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट एफ बिल्डर ने मेरों से 1818 ईस्वी में समझौता कर दिया और मेरों ने भी एफ बिल्डर से वादा किया कि हम किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। लेकिन 1819 ईस्वी एक छोटी सी कोई घटना हो गई, मेरों से कोई गलती हो गई। उस एक छोटी सी घटना का एफ बिल्डर ने बहाना बनाया और मेर क्षेत्रों पर हमला शुरू कर दिया। साथियों, अंग्रेज वादा तोड़ने में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। तो अंग्रेजों ने ऐसा ही किया, एक ओर से अजमेर से एफ बिल्डर ने हमला कर दिया, दूसरी ओर से मारवाड़ से भी सेनाएं आ गई और मेवाड़ की तरफ से जेम्स नॉट ने भी मेर गांव पर हमला शुरू कर दिया और पुलिस थाने स्थापित कर दिए। पूरे मेर क्षेत्र में या मेरवाड़ा में मेर जनजाति के गांव के आसपास पुलिस थानों की एक श्रृंखला स्थापित कर दी। हर दो तीन गांव के बीच में एक पुलिस चौकी या पुलिस थाना स्थापित कर दिया गया और मेरों पर नियंत्रण कठिन कर दिया गया। मेरों ने इस नियंत्रण के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और मेरों ने एक अपनी सेना बनाई और उन सेना से उन्होंने इन पुलिस थानों पर हमला शुरू कर दिया। पुलिस थानों पर हमला करते हैं, पुलिस थानों को, पुलिस चौकियों को जलाना शुरू कर दिया और उन सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। 1820 जाट हत्याकांड। ये जाट मेरों का एक प्रमुख गांव है, मेर गांव है, उनका केंद्र है जाट। इसमें अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा पुलिस थाना था। उस पुलिस थाने पर मेरों ने हमला किया और जाट पुलिस थाने को जला दिया और अनेक सिपाहियों की हत्या कर दी। एक बार की तो अंग्रेजों में मारवाड़ और मेवाड़ की सेना में भय व्याप्त हो गया। बाद में तीनों ने इकट्ठे होकर एक संयुक्त सेना का आक्रमण किया और मेर विद्रोह का दमन किया। अंग्रेज अधिकारी एफ बिल्डर ने एक सुझाव दिया, क्यों ना मेरवाड़ा या मेर जनजाति के पूरे क्षेत्र को एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन रखा जाए। तो सुझाव मेवाड़ और मारवाड़ द्वारा मान लिया गया और जो मेर क्षेत्र इन दोनों रियासतों के पास थे वे अंग्रेजों को सौंप दिए गए और अंग्रेजों ने एक अलग क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना की। साथियों, ये केंद्र शासित प्रदेश थे।
जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में चार केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें से ये भी शामिल है अजमेर मेरवाड़ा। इसका प्रशासक एक अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया और मेर विद्रोह को बाद में ही हमेशा के लिए शांत करने के लिए अंग्रेजों ने मेरवाड़ा बटालियन का गठन कर दिया और इस बटालियन में ज्यादा से ज्यादा मेर जनजाति के युवकों को भर्ती करना शुरू किया। 1822 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय ब्यावर में रखा गया। इस प्रकार 1821 में यह आंदोलन मेर आंदोलन या मेर विद्रोह समाप्त हो गया था। बाद के वर्षों में अंग्रेज मेरवाड़ा बटालियन द्वारा मेर विद्रोह पर आंदोलन रख पाने में सफल हुए। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके।